अभी तो ये टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी तो ये टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। सोनिया जिसकी मम्मी है वो सरकार बदलनी है। सोनिया जिसकी मम्मी है वो सरकार बदलनी है। नमस्कार, मैं रवि कुमार और आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी इंडिया। हम पहुंचे हैं कर्मचारी आक्रोश रैली में। यहां रोडवेज कर्मचारी हैं जो और सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, वो अपना आक्रोश प्रदर्शित कर रहे हैं। जानते हैं किस तरह की मांगों को लेकर यहां आक्रोश रैली निकाली जा रही है। क्या नाम सर आपका? हाँ जी, क्या नाम है आपका? सत्यनारायण शर्मा, प्रदेश महामंत्री परिवहन फेडरेशन राजस्थान, संबद्ध भारतीय मजदूर संघ। किस तरह का आज आक्रोश है, किस तरह की रैली आज निकाली जा रही है? देखिए, पिछले 5 साल से जो जब ये सरकार आई है तब से लेकर के आज दिन तक, इस सरकार के पूर्ववर्ती जो मंत्री, परिवहन मंत्री और पूर्ववर्ती उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पूर्ववर्ती सरकार के समय एक वादा किया था रोडवेज कर्मचारियों से कि हमारी सत्ता आते ही हम रोडवेज कर्मचारियों की सभी समस्याओं का समाधान करेंगे, नई बसें खरीदेंगे, नई भर्ती करेंगे। परंतु 5 वर्ष हो चुके हैं, रोडवेज कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान जैसे के जैसे ही है, समाधान किसी प्रकार का हमें निकला नहीं है। रोडवेज कर्मचारियों को पिछले 2 साल से वेतन एवं पेंशन दो दो तीन तीन माह के अंतराल में मिल रही है। लगभग 1 वर्ष से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया भुगतान, परिलाभ बकाया है, जिनका भुगतान नहीं हो पाया है। हमारे 2 महीने की वेतन एवं पेंशन अभी भी बकाया है। उसके साथ ही निगम प्रबंधन द्वारा भी अनुबंधित वाहनें खरीदी गई है, अनुबंधित वाहनें हायर की गई है, उसके अंदर 300 से 350 करोड़ का जो अनुबंध हुआ उसमें रोडवेज को नुकसान है। अलग अलग दरों में, अलग अलग डिपो में, अलग अलग दरों में जो इन्होंने रेट्स की गई है, 5 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये, 15 रुपये, 14 रुपये, 28 पैसे तक इन्होंने रेट ली है, जिससे रोडवेज को काफ़ी नुकसान होगा। इसके साथ ही जो अपीलें स्वीकार की गई है विभागाध्यक्षों द्वारा, उन अपीलों में भी भ्रष्टाचार हुआ है। हम उन भ्रष्टाचार की जाँच की मांग के सहित कभी उसकी उच्च स्तरीय मांग हो, तथा बस पोर्ट प्राधिकरण का जो इन्होंने बस अड्डा बनाया है अपने हीरापुरा के अंदर, उसके अंदर लोक परिवहन, रोडवेज और स्टेज कैरेज की बसों को वहाँ स्थित करने का जो उन्होंने सरकार की योजना है, उससे रोडवेज को नुकसान है। रोडवेज के स्वयं की बस स्टैंड है सिंध कैंप पर, हम हमारी बस स्टैंड से चलना चाहते हैं, सरकार उसके रोडवेज उद्योग को बंद करना चाहती है। इसी को लेकर के हमने 27 तारीख से कंटिन्यू मुख्यालय पर धरना दिया, सरकार द्वारा हमारी सुनवाई नहीं की, उसी के आधार में आज यह प्रदर्शन और आज हमने रैली मुख्यालय पर की है। और आगे अगर इसी सरकार ने हमारी बात नहीं मांगी तो आने वाले समय के अंदर हम रोडवेज के एक ब्लैक पेपर जारी कर सर जनता के बीच में जाएंगे और इसे विधानसभा चुनाव में इस सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सत्यनारायण शर्मा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत शर्मा है। इस तरह के आक्रोश रैली निकालने से कोई फायदा होगा? देखिए सर, फायदा तो होगा, इतिहास गवाह है। इतिहास के अंदर जब भी इस तरह के प्रदर्शन हुए इसका सीधा सीधा असर सरकार के ऊपर पड़ा है और सरकार ने जनता और कर्मिकों के मांगों के ऊपर विचार किया और उनका समाधान निकाला गया है इस तरह के आक्रोशों से। आपको लगता है कि होगा कुछ ना? क्या नाम है आपका? दिनेश कोठारी, प्रदेश कोषाध्यक्ष भारतीय परिवहन निगम। जी, आज आक्रोश आप लोग व्यक्त कर रहे हैं, पिछले 5 साल में भी आपने कभी अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई है? हमने निरंतर पिछले 5 साल में लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पर सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। सरकार अपने मद मस्ती में बैठी है, पर अब इलेक्शन आ गए हैं, सरकार को अब अपने सरकार बचाने की जुगत में लगी रही 5 साल तो, और मस्ती में रही, अब उसको लग रहा है कि हम आगे सरकार में आना है तो हम कर्मचारियों को ध्यान नहीं देंगे तो सरकार चली जाएगी। इसलिए हमने अपने पूरे जोर से प्रदर्शन पहले भी कर रहे थे, बीच में भी किए और आगे भी करते रहेंगे, और सरकार नहीं सुनी तो इसका खामियाजा सरकार को आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? पवन कुमार शर्मा। शर्मा जी, जिस तरीके से आप आक्रोश रैली निकाल रहे हैं, विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक मोड़ इस आक्रोश रैली को मिल सकता है? नहीं, राजनीतिक मोड़ नहीं है, और ये हमारी मांगों के लिए है, और 5 सालों से जो कर्मचारी परेशान है उसके लिए हम ये कर रहे हैं, और ये हमारा आक्रोश है और रैली निकाल रहे हैं। ये जो आप रैली निकाल रहे हैं, इसके बाद सरकार पर कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या लगता है कि सरकार कर्मचारियों के हित में काम नहीं कर रही है? निश्चित रूप से सरकार पर प्रभाव पड़ेगा। देखो, ये जो रैली है एक रोडवेज कर्मचारी की है, लेकिन आम जनता के लिए है। हम कोई नई मांग नहीं कर रहे हैं, आम जनता के लिए, उनकी सुविधा के लिए, यात्रा की सुविधा के लिए बसों की मांग करते हैं, उनको संचालन करने के लिए कर्मचारी की भर्ती की मांग कर रहे हैं। कोई ये कोई कर्मचारी की कोई विशेष मांग नहीं है, कर्मचारी काम करता है तो उसको वेतन देना सरकार का अधिकार है और हमारा अधिकार है लेना। तो निश्चित रूप से इस रैली का
डेफिनेटली फायदा होगा, सरकार पे अमित प्रभाव छिपेगा और नहीं तो जनता के ऊपर तो प्रभाव जाएगा ही जाएगा कि सरकार ने क्या किया जनता के लिए और कमजोर के लिए। क्या नाम है आपका? दीपक सिंह रावत। रावत, प्रदेश मंत्री। आप लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं जिस तरीके से बताया लोगों ने, तो इसके बाद क्या लगता है कि आपको ये कर्मचारी हितों को साधने वाली सरकार नहीं है? कर्मचारी हितों की तो मैं क्या कहूँ, देखो और डिपार्टमेंट में इन्होंने कुछ अच्छा भी किया होगा, मैं से नहीं कह रहा कि एक सरकार है, लेकिन हमारे उद्योग के लिए, हमारे कर्मचारी जो इस निगम के हैं राजस्थान रोडवेज के, उनके लिए कुछ भी नहीं किया, इसमें पूर्ण कोई भी सच्चाई है। जबकि इन्होंने जब सरकार में आने से पहले रघु शर्मा जी और जो कि सचिन पायलट जी थे, यातायात मंत्री जो पूर्व में रह चुके हैं काचरेवास जी, तो वो सिंधी कैंप आके हमसे वादा भी किया था कि अगर हमारी सरकार आती है, जब बीजेपी के टाइम के विधानसभा के टाइम के चुनाव की बात थी, तो इन्होंने कहा था कि अगर ये हमारी सरकार आती है तो हम रोड उद्योग की जो जायज मांगे हैं और इसके हित के लिए, इसके अस्तित्व के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे और इसको सरकार में लेंगे। लेकिन आज दिनांक तक ना तो राजस्थान रोडवेज को सरकार में लिया है और ना ही नई भर्ती की है, ना ही नई गाड़ियाँ ली गई है। अब आप ही बताइए कि राजस्थान रोडवेज या कोई भी उद्योग हो, उस उद्योग में अगर आप काम तो ले रहे हो, योजनाएँ भी दे रहे हैं, आज महिलाओं को फ्री यात्रा करवा रहे हैं, अलग अलग चीज़ों को वरीयता दे रहे हैं सरकार की तरफ से, परीक्षार्थियों को छूट दे रहे हैं, तो आप बताइए कि राजस्थान सरकार की उन योजनाओं को भी आज धरातल पर कार्य करने के लिए राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी हैं तो उनको चलाकर उनकी योजनाओं को धरातल पर ला रहे हैं। तो अगर कर्मचारी और उद्योग और उनकी योजनाओं को धरातल पर ला रहे हैं तो सरकार के भी कर्तव्य बनते हैं कि उस उद्योग के प्रति, उस कर्मचारी के प्रति। आज जैसे मान लो राजस्थान रोडवेज का जो कि निर्माण हुआ था, तो उस समय में ये हुआ था कि जनता को सुलभ और सस्ती और सुरक्षित यात्रा के लिए इस रोडवेज का उद्योग का निर्माण किया गया, ना कि लॉस और प्रॉफिट का। विधानसभा चुनाव को देखते हुए किसी तरह का कोई खामियाजा भुगतना पड़ेगा? पिछली बार भी देखो कार्यकाल में जब भी राजस्थान रोडवेज के साथ ऐसा हुआ, हमारे राजस्थान रोडवेज में पर डे 17-18 लाख जनता यात्री यात्रा करते हैं, तो अगर सारे कर्मचारी हम जब बिना तनख्वाह के, बिना बोनस के, बिना पेंशन के अगर यहाँ यात्रा करेंगे, इनको करवाएंगे, और उसका प्रभाव कहीं ना कहीं नहीं 100% सरकार पे पड़ेगा। अगर रोडवेज की जब आज तक का इतिहास रहा है, रोडवेज कर्मचारियों की हितों पर उस उद्योग पे ध्यान नहीं दिया और कर्मचारी शोषण किया गया है, उनके साथ अन्याय हुआ है, तो हर बार चाहे सरकार कोई सी हो उनको खामियाजा भुगतना, पिछली बार बीजेपी को भुगतना पड़ा तो अब की बार कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई दोराई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राजस्थान परिवहन निगम के कर्मचारी, उन्होंने बताया कि अपनी मांगों को लेकर पुरजोर तरीके से वो आक्रोश रैली निकाल रहे हैं, अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो विधानसभा